से शौक रहा आपको मॉडिफाई कराने का? शौक था बचपन से, बचपन से शौक था स्प्लेंडर मॉडिफाई कराएंगे। स्प्लेंडर शौकीन हो? मतलब स्प्लेंडर क्या लड़कियां, लड़कियां तो ऑब्वियसली देखेगी यार भैया, यार आप भी कैसी बातें कर रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा अनमोल भाई, हां कभी गाड़ी तुम लेके निकले कोई लड़की ने नंबर दिए मेरे लिए? एक चीज बताओ, तुमने जैसे बताया चालान हुआ था 10,000 का, तो कभी घर वालों ने फिर क्या बोला चालान के ऊपर, क्या बोला घर वालों ने? गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ, देखो कोई गाड़ी नहीं है आज फॉर सेल, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई बाइक नहीं है, आज लेकर आया हूँ कुछ यूनिक चीज़। यूनिक क्या रहने वाली है भाई, अपने एक भाई है जिनके रहने वाली एक स्प्लेंडर है, मॉडिफाइड स्प्लेंडर। तो मिलवाता हूँ पहले भाई से और फिर जानते हैं उसमें क्या क्या गाड़ी में काम हो रखा है। तो आ जाइए भाई अनमोल भाई, कैसे हो भाई? अनमोल भाई बस बढ़िया भाई, और आप वेलकम हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर, और हमारे ऑडियंस के लिए आप बहुत ही बेहतरीन गाड़ी लेके आए हो, तो उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और क्या मतलब कैसे शौक रहा आपको मॉडिफाई कराने का? शौक था बचपन से, बचपन से शौक था। स्प्लेंडर मॉडिफाई कराएंगे, स्प्लेंडर शौकीन हो मतलब स्प्लेंडर के, कभी जबरदस्त गाड़ी बना रखी है, गाड़ी मजा आ गया यार आपकी गाड़ी देखकर। तो क्या क्या काम करा रखा है हमारे ऑडियंस को बता दो, मतलब क्या बजट क्या रहना चाहिए एक अगर मॉडिफाई करानी है? देखो मॉडिफाई कराने में बजट तो कोई नहीं, आप जितना पैसा लगाओगे उतना कम है। बिल्कुल, वो शौकीन है, वो शौक वाली बात है, शौक वाली बात, जितना आप पैसा लगाओगे ना उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना लगा चुके होंगे अप्रोक्स? गाड़ी नहीं ली थी मैंने, नहीं ली थी मैंने गाड़ी, नहीं गाड़ी नहीं है, ठीक है। और कितना पैसा लगा दिया अब तक? लगा दिया भाई मैंने 15,000 रुपए लगा दिया, इसमें ऊपर से लेने के बाद 15,000, सिर्फ और सिर्फ 15,000 लगाया, 15,000 में गाड़ी देखो भाई कितनी जबरदस्त करा दी। मतलब एक बंदा कोई गाड़ी ले रहा है और मॉडिफाई करानी है उसको, बढ़िया अच्छी गाड़ी करवानी है जी, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको? देखो अभी मैंने अलॉय वगैरह तो मैंने लगवाए नहीं, ठीक है। न्यू गाड़ी अभी मेरी लगभग 7-8 महीने हुए होंगे गाड़ी को। टायर लगवा रखे भाई ने जबरदस्त, मोटे मोटे टायर लगवा रखे, और देखो कितने इंची क्या मतलब कितना क्या होगा अलॉय का क्या? इसमें भैया अपने 110/18 टायर लगा रखा है, रल्को का मोटा है। देखो एक बार पास से भैया बता दो एक बार टायर, देखो भाई जैसे वो बड़ी गाड़ी होती है ना पल्सर FZ, उसका टायर रहने वाला है एक तरह से, रल्को का टायर है इसमें, रल्को का जी। दोनों टायर है या एक ही? मैंने आगे का चेंज करवा रखा। अच्छा आगे का मतलब आगे नहीं लगवाया आपने कभी? नहीं नहीं लगवा रखा था पहले, वो क्या है इसमें शोकर में टच होता था वो। अच्छा शोकर में, आप दिखाओ भैया यहाँ पे। देखो मॉडिफाई कराने के कुछ अच्छे बेनिफिट होते हैं और कुछ डिसबेनिफिट भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ चीज अच्छी होती है तो भाई कुछ बेकार भी होगी जी। बिल्कुल गाड़ी, वो तो वही वाली बात है कि शौक बड़ी चीज है। अब इसमें भैया ने ये हटवा रखा पूरा मडगार्ड वगैरह पीछे का जी, मडगार्ड हटवा दिया था मैंने, तो इसमें बारिश में प्रॉब्लम आती है ना? बारिश में आती है भैया प्रॉब्लम, लेकिन वही है शौक के आगे कुछ नहीं है भाई। पीछे से तो बारिश के टाइम पानी जबरदस्त जाता होगा और कपड़े बिल्कुल खराब हो जाते होंगे इसमें। हाँ तो इसकी कभी और कुछ मॉडिफाई करवाने की आपकी इच्छा? इच्छा इच्छा तो बहुत है अभी, लेकिन धीरे धीरे। तो क्या क्या करवा रखा है एक बार शुरू से बता दीजिए, क्या क्या काम करवा रखा है? मैंने इसमें रूट्स के हॉर्न लगवा रखे हैं। ठीक है, रूट्स के हॉर्न है? हाँ रूट्स के हॉर्न काफी जबरदस्त रहने वाले हैं, मतलब एक और मैं बजा के भी बताऊं तो काफी जबरदस्त हॉर्न रहने वाला है। सही है क्या भाई, मजा आ गया गाड़ी के अंदर। और क्या करवा रखा है इसमें काम? और मैंने अपने कनाडा का फ्लैग लगवा रखा है, कैनेडियन और सबसे सपोर्ट नहीं करते बस, इंडिया का सपोर्ट करते हैं। इधर आओ इधर इधर भाई, सिद्धू मूसे वाला भाई इसके फैन है, इसका भाई बड़े फैन है, तो इसके दुनिया फैन है, लेजेंड है, लेजेंड है बिल्कुल। और क्या काम करवा रखा है इसमें? और भाई ये मैंने टायर लगवाया था ना ये, तो इसमें मुझे बहुत दिक्कत आई। क्या क्या दिक्कत? सबसे पहले तो था कि ब्रेक रोड होती है ना, ब्रेक रोड होती है अपने बाइक की, तो इसमें टायर टच हो रहा था ब्रेक रोड में। ब्रेक रोड में तो फिर टायर में ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैंने उसको बेंड करवाई सबसे पहले, बेंड करवाई ठीक बिल्कुल। फिर उसके बाद में इधर की तरफ आ जाइए आप, इधर क्या क्या प्रॉब्लम है? इधर ये चेन कवर में टच होता है, बहुत से लोग तो क्या करते हैं तो चेन कवर कटवा दिया तुमने? हाँ मैंने चेन कवर कटवा, चेन कवर कटवा दिया भाई, तो मतलब इसके लिए तो भाई जिगरा चाहिए तो ये तो खराब ही एक तरह से अगर अपन देखा जाए तो, खराब ही हो गया एक तरह से। नहीं नहीं खराब तो क्या है यार, देखो अगर हम लगवाते नहीं तो सेफ्टी का इशू आता है,
सेफ्टी का इशू, वही तो है ना, एक तरह से खराब हो गया। कोई बैठे पीछे तो अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब तो नया ही लगेगा, नया लगेगा, ये तो थोड़ा खराब हो गया। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, बाइक के साथ आया भाई, बड़ा गेम खेलता है भाई, ओरिजिनल चीज कटवा दी और इसमें पीछे का मजगार तो है ही नहीं, मडगार्ड भी ओरिजिनल ही था जो मैंने वो भी अटवाया, कटवाई दिया, कटवाई दिया मतलब बिल्कुल भाई, वो भी ओरिजिनल आप देख सकते हैं यहाँ से कटा हुआ ही बिल्कुल, एक ही कर रखा भाई ने। और क्या क्या काम करवा रखा है इसमें? और मैंने आपको बता दिए, हॉर्न लगवा रखे हैं, टायर लगवा रखा है, फ्लैग बनवा रखा है, ठीक है, साथ में इस पे हेडलाइट पे वो थी पुलिस वाली जो कि एक टाइम पे मेरा चालान हो गया था। चालान और, हो गया था। और वो आता है ना, आपने देखा कितने का चालान? सस्ता गया था, 10,000 का चालान हुआ था मेरा, और दिया था कोर्ट से, कोर्ट से। ऐसे कितने मांग रहे थे पुलिस वाले? ऐसे 10,000 रुपए मांगे थे, और कोर्ट से कितने में छूटी थी गाड़ी? कोर्ट में 5,000 लगे भाई, 5,000 भी मायने रखते एक लाइट के लिए। लाइट क्या वो बोल सकते हैं, पूरी गाड़ी मॉडिफाई उसका तो चालान होता ही है। और साथ में मेरे लेग गार्ड लगा हुआ था, अभी ट्रेंड में चल रहा है वाला लेग गार्ड लगा हुआ था, तो वो भी उन्होंने खोल के रख लिया, पुलिस वालों ने खोल के रख लिया। बिल्कुल, हाल ही में भी चालान हुआ है इसका मतलब? हाँ। अच्छा, और उसका हेडलाइट हटवाई, लेकिन मैंने हेडलाइट पे अपने वो करवाई लेमिनेशन, ओके, लेमिनेशन फोग आती ना ब्लैक वाली वो, और भाई ने दो आंखें बनवा रखी भाई, टैटू बनवा रखा है। और इसके अलावा ये लाइट किस काम आती है? ये फ्लैशर है, नॉर्मल फ्लैशर, नॉर्मल फ्लैशर, बिल्कुल सर। तो भाई काफी जबरदस्त लुक देती है, और रात को जब इसका लुक आता है ना भाई, जबरदस्त लुक आता है। और एक चलने में पीछे से एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा साथ में, इधर आओ भैया, पीछे से एक बार ऑन करना, ब्रेक दबाना भाई, नहीं ये चीज जबरदस्त लगा रही है, इस पर दिल आ गया यार। पीछे से जब ऐसा लगता है जैसे कोई राइडर आते हैं ना, राइडर उसकी तरह एक और लुक आता है इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। पीछे से लुक गजब रहता है, इसके शॉर्ट्स में डाल दूंगा चलते हुए के, बिल्कुल आप इंजॉय करना, बड़ी मस्त गाड़ी लगती है। अब आते हैं भैया मेन बात पर, कि लोगों की परफॉर्मेंस क्या है इस गाड़ी को, लोगों देखते हैं, सब बोलते हैं जहां से भी निकलता हूं कि ये क्या लगवा रखा है, सब देखते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब। और आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, लड़कियां तो ऑब्वियस देखेगी यार, भैया यार आप भी कैसी बातें कर रहे हो, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, ये देखो ये जो शोकरों की हाइट है ना इसमें, हाँ ये कुछ यूनिक है, ये बढ़वा रखी है क्या? ये मैंने अलग से लगवाया इसमें, ये अलग से लगवा रखा है, बिल्कुल शोकर ओरिजिनल है, ओरिजिनल शोकर है। तो भाई ये हाइट बढ़ा रखी, हाइट क्यों बढ़ा रखी? टायर की वजह से, टायर की वजह से ना, बिल्कुल भाई। टायर एक और लेंथ देखो गाड़ी की, स्प्लेंडर आपने देखी नहीं होगी, इतनी ऊंची स्प्लेंडर शायद ही देख रहे होंगे आप, मॉडिफाई जो इसने करा रखी उसकी स्प्लेंडर देखी होगी, अदरवाइज इतनी ऊंची रहती नहीं स्प्लेंडर। ये लगेगा नहीं भैया, ये लगेगा नहीं लगेगा नहीं, तो ये भी छोटा रह गया है। अब देखो भाई, अब ये मेन स्टैंड पर टायर देखो, टायर अड़ गया, टायर घूमेगा ही नहीं टायर, और गाड़ी न्यूट्रल है, ऐसी बात नहीं, गाड़ी न्यूट्रल नहीं है, गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे दिखा सकते हो आप देख सकते हो, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे दिखा दो, ये गाड़ी न्यूट्रल है, ये गाड़ी न्यूट्रल के अंदर है, और गाड़ी का टायर नहीं घूमेगा क्योंकि स्पेस नहीं है ना, नीचे जगह नहीं है बिल्कुल भी, 1% जगह नहीं नीचे। तो यार ये तो मतलब पूरी गाड़ी का एक तरह से बैंड बच चुका है। नहीं नहीं बैंड नहीं भैया, बैंड नहीं बोल सकते इससे आप, मतलब लेकिन शौक है यार, हमारे हिसाब से तो बैंड बच चुका है, बट शौक बड़ी चीज होती है, शौक बड़ी चीज, सबका अलग अलग शौक होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो खर्चा 15,000 आ चुका, 15,000 आ चुका अब तक। तो क्या क्या इसमें टायर वगैरह कितना कॉस्ट हो रही होगी भाई? टायर मुझे विदाउट इंस्टॉलेशन बताऊंगा मैं, ठीक है, 3,000 का मुझे टायर पड़ा, टायर पड़ा, टायर ठीक है बिल्कुल, मतलब लगाई अलग है इसके अंदर। और इसके अलावा रूट्स के हॉर्न लगे हुए, रूट्स के हॉर्न 2,500 के विदाउट इंस्टॉलेशन, 2,500। तो भाई 2,500 के रूट्स के हॉर्न हो गए, और एक टायर है ना ये? सर मैं दो टायर लाया था बिल्कुल। और दोनों टायर की रेट क्या बताई थी? 6,000 है दोनों, एक टायर 3,000, एक टायर 3,000, तो एक हटा रखा भाई ने किस रीजन से, क्योंकि इसका आगे का भी वो हटाना पड़ता, मडगार्ड हटाना पड़ता, साथ में ये टच हो रहा था, ये टच हो रहा था, अच्छा ये टच हो रहा था, मतलब शोकर सील टच हो रही थी इसमें। तो भाई ये अगर आप भी कराना चाहते हो ना कोई मॉडिफाई स्प्लेंडर को, तो आपको बेनिफिट पता चल जाएगा। अनमोल भाई अब आए थे, बात करते हैं एडवांटेज के, क्या क्या एडवांटेज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फटाफट से आप एडवांटेज बता दीजिए। एडवांटेज तो सर यही है, पब्लिक रिएक्शन मिलता है, क्रेजी रिएक्शन मिलेगा ही ना यार, और हॉर्न लेके निकलते हैं सब देखते हैं, सब देखते हैं, बिल्कुल भाई भाई सब में समझ रहे हो ना। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा अनमोल भाई, हाँ, कभी गाड़ी तुम लेके निकले, हाँ, कोई लड़की ने नंबर नंबर दिए मेरे लिए, सच सच बताना। अरे भैया अपन इन सब चीजों से ऊपर है, ये सब चीजें करते नहीं है अपन। अच्छा बस बिल्कुल, कवरा मारने का काम है और नहीं तो क्या। अच्छा गेड़िया मारते हैं लेके निकलते गाड़ी को,
अजय मारते मतलब। हाँ। अच्छा और क्या एडवांटेज रहने वाला गाड़ी? एडवांटेज तो यही है कि लुक अच्छी, मॉडिफाई मॉडिफिकेशन कराओगे अपन को सुकून मिलता है खुद को। और कभी घर वालों ने टोका ठोका? घर वाले तो यार सभी के। अच्छा चलो एक चीज बताओ, तुमने जैसे बताया चालान हुआ था 10,000 का, तो कभी घर वालों ने फिर क्या बोला चालान के ऊपर? क्या बोला घर वालों ने चालान के लिए? बोला कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मेरी गाड़ी ले गई तो सीज कर दी थी मेरी गाड़ी। सीज हो गई थी? सीज हो गई थी गाड़ी भाई। गाड़ी सीज हो गई थी तो गाड़ी फिर कोर्ट से छुड़वाई थी। कोर्ट से छुड़वाई तो घर वालों ने फिर टोका नहीं 10,000 हो गया। वो बात तो सही है आपकी, बोला था, लेकिन घर वाले भी शौक है बच्चे का, कोई गलत शौक तो कर नहीं रहा, तो वाली बात है। उसको लेके कुछ ज्यादा कुछ नशे से बढ़िया है गाड़ियों का शौक। हाँ। वो भी मॉडिफाई का। मॉडिफाई का। अच्छा अब बात करते हैं डिसएडवांटेज का, तो क्या क्या डिसएडवांटेज रहने वाली गाड़ी? डिसएडवांटेज रहेगा सबसे पहला, मैंने जो टायर लगा रखा है इसकी वजह से मान लो कोई पानी वाली जगह आ गई, रोड ऐसा आ गया पानी वाला, तो उसमें पीछे वाला बैठेगा ना उसके कपड़े गंदे होना फिक्स है भाई। मॉडिफाई करा रहे हो तो ये चीज याद रखना, ये आपके लिए हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको जी। पहली पानी का दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आपने ये बताया था एक केस का, साथ में आपको मैं ये दिखाऊं तो ये मेन स्टैंड पे रोकने के लिए कुछ मैंने लगा रखा है जुगाड़। अच्छा पास से एक बार देखते हैं। अच्छा ये अच्छा ये इसको बड़ा करवा रखा है, मतलब बड़ा करवा रखा है ठीक है। इंडियंस का आप जानते हो जुगाड़ के बिना कुछ काम की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बड़ा करवाने के बाद में भी ये नहीं टिक पाती क्योंकि अड़ती है गाड़ी, नीचे तक अड़ती है ना। नहीं नहीं वो क्या है स्टैंड पे है बस। अच्छा स्टैंड रोकने के लिए सकती है, लेकिन गैप नहीं रह सकता गाड़ी के अंदर। हाँ। टायरों में गैप नहीं रह सकता जैसे और गाड़ियों में रहता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा और इसके अलावा कोई? इसके अलावा तो आगे वाला टायर मैंने अभी फिलहाल के लिए हटा ही रखा है ठीक है, और साथ में ये हॉर्न है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये लगाना क्योंकि इससे आपका भारी चालान हो सकता है। भारी चालान देखो मॉडिफाई से भारी चालान होता है, लेकिन शौक वाली चीज है वही। बिल्कुल मैं वही वाली बात बोलूंगा। बैटरी की बात करूं मैं, बैटरी बड़ी डलवा रखी है जी। बिल्कुल भैया बैटरी बड़ी है इसमें। तो फिर बड़ी कैसे डला? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बैटरी का एक फिक्स एरिया आता है कि इस एरिया से बाहर बैटरी बड़ी डल नहीं। नहीं जो बैटरी बॉक्स है ना अपना इसका, बैटरी बॉक्स है ठीक है, तो वो मैंने मतलब कटवा रखा है, थोड़ा नीचे स्पेस मिल जाए इतना स्पेस और मिल गया। बैटरी बॉक्स को कटवा दिया? कटवा दिया बिल्कुल भैया। भाई उसमें बड़ी बैटरी गाड़ी में क्या छोड़ रखा तुमने? ओरिजिनल ये बता दूंगा। ओरिजिनल तो इंजन है भैया, ओरिजिनल इंजन, कोई मॉडिफाई नहीं नहीं कुछ करने का विचार है उसमें तो गेट लगाने का, इसमें जो गाड़ी 100 से 200 पे जा सके। नहीं इसमें अभी थोड़े टाइम बाद में मैं क्लच प्लेट चेंज कराऊंगा। अच्छा क्लच प्लेट बिल्कुल भैया। और मॉडिफाई की बात करूं, मॉडिफाई में क्या क्या कुछ करवाओगे? आपने पूछा नहीं लेकिन क्लच प्लेट कौन सी लगाओगे? क्लच प्लेट मतलब कौन सी इसकी लगेगी और को किसकी लगाओगे? मैं लगाऊंगा TVS की अपाची RTR। बिल्कुल भैया। वो कैसे? वो इंजन में मॉडिफाई हो गया है तो सिस्टम होएगा ही भैया, तो वो कैसे पॉसिबल होगी? इसके अंदर इसी साइज की आती है शायद, उसमें पांच आती है, पांच और रहेंगे ना? बिल्कुल पांच रिंग आती है उसमें ठीक है, और इसमें होती है चार ठीक है, तो अपन इसमें चार लगवा देंगे उसकी, थोड़ा एक रिंग हटवा दो। हाँ बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, इसकी पावर इंक्रीज आएगी? हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा और इसमें पिकअप वगैरह भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा बाइक का, पिकअप अच्छा? बिल्कुल भैया, और पावर बढ़ जाएगी भाई गाड़ी की। तो आप देख सकते हो भाई मॉडिफाई भारी नहीं भाई, इंजन के अंदर ही मॉडिफाई करवाना। बिल्कुल क्लच प्लेट यार RTR की अपाची की चलने वाली है, तो भाई फटाफट से चैनल भाई का सब्सक्राइब करो और भाई का सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और अगर आप भी मॉडिफाई करवाना चाहते हो भाई के जैसी गाड़ी, तो भाई की वीडियो देखो, बढ़िया बढ़िया भाई वीडियो डालता रहता है। और अब बात कर लेते हैं, एक चीज मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी को स्प्लेंडर मॉडिफाई करानी तो गाड़ी नई ले या पुरानी? देखो भैया क्वेश्चन है आज की, हमारे व्यूअर्स का भी होगा और मेरा भी है। मैंने तो नई लेके कराई थी। अगर आपको भाई करवानी है सब कुछ उसका चेंज कराना है, तो आप नई लेके क्या करोगे, इतना पैसा खर्च करोगे, इससे अच्छा पुरानी ले लो भाई। यही चीज मैं बोलना चाह रहा था पर भाई ने पहले ही बोल दिया, क्योंकि देखो भाई ने पूरा काम चेंज करा रखा, पूरा सिस्टम चेंज करा रखा, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज करा रखा है। और नई चीज ओरिजिनल चीज कटवाने से बेटर है कि पुरानी। हाँ, चीज बिल्कुल भैया। और अच्छी चीज, दुख भी बहुत होता है यार, यार नई ऑब्वियसली नई। अभी स्प्लेंडर की बात करूं मैं, 97 के अप्रोक्स गाड़ी आ रही, 95-97। बिल्कुल भैया। तो 1,00,000 रुपए ऑलमोस्ट हो गए, 1,00,000 रुपए गाड़ी के पार्ट्स तुम ओरिजिनल कटवा रहे हो नई लेके। और गाड़ी को लिया कितना टाइम हो गया? 6 से 7 महीने हुए भैया। बस भाई जिगरा चाहिए इसके लिए, जिगरा। अभी इसकी लेमिनेशन वाली फॉग होगा इस गाड़ी पे, वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो भाई सारी वीडियो मिल जाएगी भाई के चैनल पे। तो हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो ऐसी मॉडिफाई करवाने के लिए? बिल्कुल भाइयों कराओ, लेकिन अपने रिस्क पे। और गाड़ी, एक चीज मैं बात करना चाहूंगी, गाड़ी अगर बाहर जाती है, सवाई माधोपुर से कभी बाहर गई है गाड़ी? जी बिल्कुल, बहुत जाती है।
अभी देखो आप, मेरी गाड़ी चल गई है 18,000 और दिक्कत क्या है, 7 महीने में 18,000 7 महीने में 18,000 भाई, गाड़ी जबरदस्त चलाता भाई। और दिक्कत कुछ आई कभी बाहर गया, कभी चालान वालान का? एक बार तो चालान कट गया, कट गया बिल्कुल। फिर कभी डर नहीं लगा कि बाहर ले जाना बंद करे यार? नहीं नहीं भैया, शौक है, शौक के आगे कुछ नहीं है। देखो मैंने कभी हटवाया नहीं सामान। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर की सिटीज में जाते हैं तो अपने सामान हटा के जाते हैं। ओके, मैंने कभी हटवाया नहीं तो पकड़ाओ नहीं आएगा दोबारा कब सीज हो रही है। नहीं नहीं, तो क्या है थोड़ा मैंने कम कर दिया, लेकिन आपके लिए सिर्फ अपने रिस्क पे लेके आऊंगा वीडियो अपने चैनल पे। तो भाई अपनी वीडियो भाई की देखो, और मैं तो बोलूंगा भाई को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बिल्कुल बिल्कुल, भाई के चैनल को सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगी हो, गाड़ी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।